फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैम फैशन अप। तो कैसे हो आप लोग? तो जैसे कि अभी दिवाली बिल्कुल आ चुका है, तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और अभी तक आप लोगों ने ये वाला मेकअप तो देखा या नहीं, मुझे नहीं पता ये पहले जाएगा या बाद में, लेकिन मैं इसका जो है लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके ये मेकअप लुक भी जरूर देखिएगा। और तो मैंने जो है इस दिवाली के लिए मीशो से बहुत सारे होम डेकोरेशन के प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, बस उसका एक हॉल वीडियोज में आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियोज काफी अच्छा लगेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियोज पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं चलिए आज की वीडियो को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं जितने भी प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ दिखाने वाली हूँ उसे मैं कैसे अपने घर में यूज करूंगी, मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूंगी। और जो भी इस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट कोड है वो सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से जाके उसे देख सकते हो। और जितने भी प्रोडक्ट के प्राइसेस है वो मैं स्क्रीन पे कहीं पे मेंशन कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। तो ये सारा कुछ मैंने सेल में मंगाया था, तो शायद प्राइस थोड़े से बहुत डिफरेंसेस आ गए होंगे, लेकिन अभी भी जो है आप वहां से जाकर के उस प्रोडक्ट कोड के थ्रू उसे बाय कर सकते हो। तो चलिए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है ये है, जो सबसे छोटा पैकेट है, चलिए इसे ओपन करते हैं। और इसे मैंने अभी तक ओपन नहीं किया, इसकी अनबॉक्सिंग भी मैं आपके सामने ही करने वाली हूँ। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है आप देख सकते हो, ये बहुत ही प्यारा सा हैंगिंग जो है मंगाया, और ये मैंने अपने मंदिर के लिए मंगाया। आप देख सकते हो ये जो है लोटस शेप का है, और ये जो ऊपर का जो है ये एमडीएफ का वर्क है, और पीछे जो है पिंक कलर का काम है, नीचे इस तरीके से पोमपोम और टेसल का वर्क है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मैंने इसे जो है टोटल 6 पीस से मंगाया है, इसमें आप 4 पीस के भी ऑर्डर कर सकते हो, 12 पीस का भी ऑर्डर कर सकते हो। तो मैंने ये जो 6 पीस मंगाया है ये मैं अपने मंदिर के लिए मंगाई हूँ, और बहुत ही खूबसूरत है। इसकी फिनिशिंग वगैरह भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इस तरीके से आपको ऊपर में हैंगिंग के लिए यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है, जिसे आप अच्छे से हैंग भी कर सकते हो। और ये देख सकते हो ये कितना ही वाइब्रेंट सा कलर है, और ये जो है मंदिर में लगेगा तो कितना प्यारा लगेगा आप सोच सकते हो। और ये दिवाली के लिए तो बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट है, तो मुझे तो ये बहुत सुंदर लगा। और मुझे ऐसे 6 जो पीसेस हैं मुझे मिले हैं। इसकी साइज की भी बात करूं तो ये काफी अच्छा है, एक बहुत छोटा भी नहीं है तो बहुत बड़ा भी नहीं है। मैं आपको क्लोजअप से इसको दिखाती हूँ। इसकी फिनिशिंग जो है ये गोल्डन में जो काम किया हुआ है, साथ में पिंक का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, और साइज भी बहुत अच्छा है। तो मुझे तो ये वाला प्रोडक्ट बहुत पसंद आया, और मैं इसे जब मंदिर में लगाऊंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी। और ये 6 पीस जो है मुझे कोई 340 रुपीज का मिला है, तो इस प्राइस में ये बहुत ही अच्छा है। आपको ऐसे और भी बहुत सारे जो है हैंगिंग जो है आपको आराम से मीशो पे मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं सेकंड प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट भी मैंने जो है एक बहुत ही प्यारा सा हैंगिंग ही मंगाया है, जो कि बहुत सुंदर लगने वाला, किसी भी वॉल पे इसे लगा दो बहुत ही अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट मैंने ये जो है फिस वाले जो है यहाँ पे जो है हैंगिंग मंगाया है, जो कि किसी भी वॉल पे आप लगा दो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। इसमें आपको इस तरीके से 4 फिस मिल जाएंगे, और ये जो है एमडीएफ बोर्ड का बना हुआ है, जिससे इसकी मटेरियल्स भी काफी अच्छी है। इसमें कलर्स वगैरह भी आप देख सकते हो कितना वाइब्रेंट यूज किया गया है। नीचे में इस तरीके से छोटे छोटे से 2 बेल हैं, और बहुत सुंदर प्यारे प्यारे से कलर के बिट्स लगे हुए हैं। और इसकी जो है आप फिनिशिंग देख सकते हो बहुत ही प्यारा है, तो मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। और इसमें ये इस तरीके से 4 जो है आपको फिस बना हुआ मिल जा रहा है, और काफी अच्छा सा लेंथ भी है, और काफी अच्छा सा साउंड भी कर रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसकी जो है पीछे आप देख सकते हो इस तरीके से ब्लू कलर से पूरे ही इसे जो है अच्छे से कलर किया गया है, तो इसमें जो है फुल फिनिशिंग। और इसके ऊपर में आपको हैंग करने के लिए ऊपर में इस तरीके से गोल्डन डोरी दिया गया है, जो कि बहुत सुंदर है। और इसकी जो लेंथ की बात करूं तो ये काफी अच्छा है, आपके वॉल को अच्छे से जो है अच्छे से जो इन्हांस करेगा, वहां पे लगाने के बाद वहां का लुक जो है पूरा ही चेंज कर देगा। तो मुझे तो ये पीस काफी ज्यादा प्यारा लगा। इसमें आपको और भी बहुत सारे डिजाइंस 2 पीसेस के या फिर जो है अलग अलग 1 सिंगल पीस वाले पीसेस भी आपको अच्छे से मिल जाएंगे। तो ये जो है मुझे तो बहुत सुंदर लगा, और इसका प्राइस मुझे कोई 250 पड़ा था, तो इस प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा है, और ये फेस्टिवल में तो बहुत ही 4 चांद लगाने वाला है घर के डेकोरेशन। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है मैंने एक वॉशिंग मशीन का कवर मंगाया है। मेरा जो वॉशिंग मशीन है ये फ्रंट ओपनिंग वाला है, तो उसके लिए मैंने ये कवर मंगाया है। चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं। तो ये है वॉशिंग मशीन कवर, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा व्हाइट कलर का है,
और इसमें पूरे ही जो है इसमें फेदर्स का डिजाइन बना हुआ है। तो ये इसका डिजाइन तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, ये व्हाइट कलर है तो और भी खूबसूरत लग रहा है। इसकी मटेरियल जो है वाटर प्रूफ है और वाटर प्रूफ प्लास्टिक का बना हुआ है और काफी अच्छा लग रहा है। इसके साइड में इस तरीके से जिप दिया गया है और इसके साइड में यहाँ पे इस तरीके से जिप दिया गया है और जिप की क्वालिटी भी काफी ज्यादा सही है, बिल्कुल भी लो क्वालिटी की नहीं लग रही है। तो मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है और इसका प्रिंट वगैरह भी काफी ज्यादा खूबसूरत आया है। और ये भी मुझे कोई 250 के अप्रॉक्स का पड़ रहा था, तो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे इसका मटेरियल वगैरह प्रिंट वगैरह सब कुछ काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो अगर आप भी अपने वॉशिंग मशीन के लिए कुछ ऐसा कवर ढूंढ रहे हो तो आप इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हो। नेक्स्ट जो मैंने मंगाया है वो मैंने बहुत ही प्यारा सा फेस्टिवल के एकदम अकॉर्डिंग, जैसा कि मैं अपने लिविंग रूम को चेंज करने वाली हूँ उसके थीम के अकॉर्डिंग मैंने जो है ये कुशन कवर मंगाया। और ये देख सकते हो पूरा ही बोहेमियन लुक देने वाला है। इसके मटेरियल की बात करूं तो ये जो है खादी कॉटन है जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, काफी अच्छा मटेरियल यूज किया गया है। आगे में इस तरीके से फ्रंट में आप देख सकते हो यहाँ पे जो है काफी अच्छा सा जूट का जो बोहेमियन वाला वर्क होता है वो किया गया। नीचे में छोटे प्यारे प्यारे से टेसल्स लगाए गए जो कि काफी खूबसूरत लग रहा है। और इसकी जो जीप की क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, बिल्कुल भी चीप क्वालिटी की जीप यूज नहीं की गई है। तो मुझे तो ये जो कुशन कवर है काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। इसके डिजाइन्स वगैरह भी आप देख सकते हो कितना फिनिशिंग से इसमें जो है पूरा ही जो है इसमें काम किया गया है, बिल्कुल ही अच्छे से इसका जो क्रूसिंग का वर्क है वो किया गया है। तो ये तो पूरा ही बोहेमियन लुक देने वाला है और ये जो है इस बार जो है मेरे जो पूरे सोफे के लुक को काफी ज्यादा चेंज करने वाला और एनहांस करने वाला। तो सारे प्रोडक्ट का लिंक और जो भी प्रोडक्ट कोड है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं कैसे यूज कर रही हूँ वो आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में जरूर पता चल जाएगा। तो ये जो है मुझे जो है 2 पीस का सेट मिला है आप देख सकते हो और ये जो 16x16 के साइज का है और ये साइज के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही सही है। तो अगर आपको भी कुछ इस तरीके से अपने घर को बोहेमियन लुक देना है तो आप इस तरीके के कुशन कवर के साथ जा सकते हो। तो मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा और ये दोनों कुशन कवर मुझे 425 रुपीज का सेल में मिला था। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो मैंने किचन के लिए मंगाया है, तो कुछ इस तरीके का इसमें मैंने बोर्ड मंगाया जो MDF बोर्ड पे है। चलिए इसे ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ क्यूट क्यूट से बोर्ड जो है मैंने किचन के लिए मंगाया है। मेरे पास जो है बहुत ही एक साइड में बहुत सारे जो है कॉफी मग लगे हुए हैं, उसके साइड ही मैं ऐसे हैंग करने चाहती थी अपने किचन के लिए। तो ये देख सकते हो, सबसे पहले बात करूं तो ये जो है इसका जो मटेरियल यूज किया गया है ये MDF बोर्ड यूज किया गया है और काफी अच्छा थिक मटेरियल है, बहुत फ्लिमजी नहीं है, बहुत अच्छा है। और इसमें जितने भी है आपको 4 पीसेज जिस तरीके से मिलेंगे और काफी अच्छे वाइब्रेंट कलर में आपको इस तरीके से ये मिल जाएंगे और काफी अच्छा लग रहा है। और सब पे बहुत ही कुछ अच्छा सा कोटेशन लिखा हुआ है, लेट्स कुक बेक्ड विद लव, माय किचन्स माय रूल्स एंड जस्ट रोल विद इट। तो काफी खूबसूरत है और उसके कलर्स वगैरह भी काफी अच्छे हैं। जैसा जितना बड़ा साइज मुझे चाहिए था स्पेशली मुझे उसी साइज में ये मिला है, ना तो ये बहुत बड़ा है ना तो ये बहुत छोटा सा है। तो जो है सारा कुछ मुझे इसका सही लग रहा है, मटेरियल वगैरह भी बहुत सही है और ये मुझे जो है ओनली 200 रुपीज का मिला है तो काफी ज्यादा अच्छा है। इसकी आगे की फिनिशिंग वगैरह भी शाइनिंग वगैरह भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो इसे मैं जो है किचन में यूज करने वाली और मेरा किचन तो बहुत खूबसूरत लगने वाला है इस फेस्टिवल्स में। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ये दिवाली के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट चीज है, ये जो है कैंडल होल्डर है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड ही। चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर कैसा प्रोडक्ट आया है। ये जो कैंडल होल्डर है मुझे कुछ इस तरीके से बिना असेंबल किए हुए मिला है, तो चलिए मैं इसे आपको असेंबल करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ और आपको प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ। तो मैंने ये जो है एक कैंडल होल्डर ऑर्डर किया था जो कि मुझे ये 3 पीस का सेट मिला था। आप देख सकते हो इसका शेप जो है बहुत ही प्यारा सा जो है लोटस शेप का है और इसमें जो है बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर का जो है पेंट किया गया है जिससे काफी खूबसूरत लग रहा है। और ये जहां पे भी लगने वाला है इस दिवाली में तो 4 चांद लगाने वाले। इसके मटेरियल भी काफी ज्यादा अच्छी यूज की गई है, इसकी फुल फिनिशिंग भी काफी अच्छा है, इसमें कलर वगैरह का भी फिनिशिंग काफी ज्यादा अच्छा आया हुआ है। और इस तरीके के आपको 3 जो है कैंडल होल्डर मिलते हैं, आपको एक बड़ा है उससे छोटा और उससे सबसे छोटा
साइज का इस तरीके से आपको कैंडल होल्डर मिलता है, और इसे आप जहां पे भी लगाओगे ये पूरा ही लुक जो है इन्हांस कर देने वाला है। इसकी सब कुछ की बात करूँ काफी ये इजी टू असेंबल था, आराम से आप इसे असेंबल भी कर सकते हो और यूज कर सकते हो, तो मुझे तो ये पीस काफी खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरीके का पीस है, आप आराम से इसे ले सकते हो, यूज कर सकते हो इस दिवाली में, ये बहुत ही खूबसूरत सा लुक देने वाला है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये कैंडल होल्डर कैसा लगा। मुझे तो इसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी लगी, इसमें जो छोटे छोटे से अच्छे से इसमें जो काम किया गया है, जो डिटेलिंग दी गई है, ये बहुत ही परफेक्ट है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये कैंडल होल्डर, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। जहां पे भी मैं पूजा करने वाली हूंगी वहां पे मैं इसे जो है अच्छे से लगाऊंगी और ये बहुत सुंदर सा वहां पे लुक देने वाला है। तो ये था मेरा जो है आज का ये कैंडल होल्डर, मेरा एकदम मोस्ट फेवरेट पीस। तो चलिए लास्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से बहुत बड़े से पैकेट में मुझे मिला है। चलिए इसे ओपन करते हैं। और ये प्रोडक्ट भी जो है इस दिवाली में बहुत ही अच्छा सा काम देने वाला है, और इसकी पैकेजिंग भी आप देख सकते हो बहुत अच्छी सी है, अंदर थर्मोकोल के अंदर से अच्छे से पैकेजिंग करके मुझे दिया है। तो चलिए प्रोडक्ट दिखाते हैं आपको। तो इस दिवाली की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है इस तरीके की उर्ली, जो बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हो। मैं तो इसे देख करके मुझे इससे प्यार सा हो गया, कितना प्यारा सा डिजाइन है। ये जो है इसमें जो है ये बताया गया कि ये ब्रास मटेरियल का है और काफी खूबसूरत है। इसमें आप देख सकते हो साइड साइड में इस तरीके से रोजेस के डिजाइन बने हुए हैं, और वो भी सेम मटेरियल से यूज किया गया है। और अंदर जो है आपको जो दिया गया है उर्ली जो है इसमें भी काफी अच्छे से डिजाइन इस तरीके से बने हुए हैं, और पीछे भी जो है इस तरीके से काफी अच्छे से इसकी फिनिशिंग की गई है, बिल्कुल भी नहीं है इसमें कलर वगैरह किया गया, सेम मटेरियल से इसमें जो है पीछे भी साइड में बने हुए, और इसमें जो है पूरे ही फ्लावर्स को जो है काफी अच्छे से इसमें इनबिल्ट किया गया है, ये बिल्कुल भी नहीं निकलने वाले हैं। और लुक वाइज तो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। साइज भी जो है आप एकदम अकॉर्डिंग जो है आपके अगर सेंटर टेबल पे से डालते हो, कहीं भी डालते हो, बहुत अच्छा सा साइज है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि बहुत छोटू सा है और बहुत बड़ा भी नहीं है। तो जो है आराम से आप देख सकते हो ये कुछ इतना बड़ा सा साइज में भी है, इसके मटेरियल्स भी है, ये वेट भी है इसमें, इसे पकड़ने के बाद भी ऐसा नहीं होता है कि ये बिल्कुल ही फ्लिमजी है, बिल्कुल भी नहीं है, और काफी अच्छा। और मुझे ये पता है 400 के अप्रोक्स में ही मिल गया था सेल में, तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस बार तो मैं इसे सेंटर टेबल पे सजाने वाली हूँ, और ये मेरे जो है पूरे ही दिवाली डेकोरेशन में ये चार चांद लगाने वाला है। तो बहुत सुंदर सा प्रोडक्ट मुझे वहां से मिल गया है, और सेम प्रोडक्ट अमेजोन पे, ये मुझे काफी महंगा दिखा था लेकिन मैंने इसे मीशो से बाय किया तो काफी अच्छा मिलेगा। इसके साथ मुझे इस तरीके से दो टी लाइट कैंडल्स भी मिले हैं, जो कि यूज इसमें आराम से हो सकता है। इसमें आप आराम से पानी वगैरह डाल के बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स डाल करके कैंडल्स लगा दो, काफी अच्छा सा लगने वाला। नहीं भी है तो बहुत सारे फ्लावर्स भी डालने के बाद आप इसे सेंटर टेबल या कहीं पे भी रखो तो पूरा ही इसके लुक जो है खूबसूरत सा लगने वाला है। तो इस दिवाली में मैं इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज करने वाली हूँ और अपने घर को जो है बहुत अच्छे से डेकोरेट करने वाली हूँ। तो मैं आपको सारा कुछ डेकोरेशन करने के बाद भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि मैं ये सारे प्रोडक्ट कहाँ कहाँ यूज कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को आज का मेरा जो है ये होम डेकोरेशन का हॉल काफी ज्यादा पसंद आया होगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप भी दिवाली मनाइए और अच्छे से एंजॉय कीजिए। के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।